स्टूडेंट आई एम अमित एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विच नेम इज ग्रेविटेशन ऑफ योर फिजिक्स बुक. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स बुक एंड आई थिंक यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस चैप्टर इंडीड. ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन हमको पढ़ना. ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए आप जब भी ग्रेविटेशन पढ़ोगे या ग्रेविटेशन में आपने ये फिनोमेना तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ गिरता है. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको किसी भी हाइट से ड्रॉप करोगे तो वो अर्थ की तरफ गिरता है. ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इस वजह से होता है कि जो अर्थ होती है वो इस पे फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, जो अर्थ होगा वो इस पे फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ. और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ बोलेंगे. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर हम किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो ग्राउंड की तरफ जाएगा. रीजन क्यों है? क्योंकि अर्थ एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर. एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ. और जिसकी वजह से ये आपका स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड की तरफ जाएगा. क्लियर. अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ केवल इसीलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ले आए. इसके पीछे कई सारे और भी मतलब रिस्पॉन्सिबल है, कई और चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल, जो आप जैसे आप अर्थ, आपको पता है अर्थ के चारों तरफ लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की. तो इन लेयर को होल्ड कराने के पीछे भी ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है. इन लेयर्स को होल्ड कराने के पीछे भी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सेकेंड थिंग, फॉलिंग ऑफ रेन फॉलिंग टू द अर्थ. रेन फॉलिंग जो होती है, बारिश का पानी जो जमीन पर आता है, ग्राउंड पर आता है, उसके पीछे भी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है. देखिए कैसे, अगर ये सपोज करिए ये क्लाउड है, क्लाउड से जब रेन ड्रॉप आएगी तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स होगा नहीं तो ये नीचे आएगी नहीं. सपोज करिए ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का ना होता तो फिर ये रेन ड्रॉप तो यहीं टंगी रहती कि नहीं, हैंग करती रहती. तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है ये तो होल्ड है ही है. ठीक है, साथ ही साथ ये जो रेन फॉलिंग है ये भी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से होता है. फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, रिवर में जो वाटर्स फ्लो करते हैं उसके पीछे भी ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है. रिवर में जो वाटर फ्लो करता है उसके पीछे भी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है. देखिए कैसे, आपको पता है जो नदियां हैं स्लोप से होते हुए आती हैं, तो स्लोप से नीचे आने के लिए उनको ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? मान लीजिए सपोज यहाँ से वाटर आ रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ही तो काम करेगा, वो इसको नीचे लेके आएगा, फिर ये आगे फ्लो करेंगी ना. तो जो रिवर्स में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हम जमीन पर मतलब हम जो अर्थ पर आराम से चल लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, उसके पीछे भी आपकी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको जमीन पर मतलब जो आपको ग्राउंड पर बनाए रखती है, ठीक है. तो कई सारे कह सकते हैं कि आप ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पॉन्सिबल है, कई सारे फिनोमिना के पीछे ग्रेविटेशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. जैसे क्या है कि होल्डिंग एटमॉस्फेयर अबव अर्थ, सेकेंड थिंग रेन फॉलिंग, थर्ड पॉइंट वाटर फ्लो इन रिवर, एंड द फोर्थ पॉइंट क्या है कि अर्थ कीप्स अस फॉर्मली ऑन ग्राउंड. अर्थ हमें ग्राउंड पर बनाए रखती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ. क्लियर. चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है, एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक भी नहीं है ये, थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे. अभी फर्स्ट टॉपिक आया, अभी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, थोड़ा और डिस्कस करते हैं.
ठीक है। और ये तो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में। तो न्यूटन ने ये बोला कि नॉट ओनली अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने ये बोला कि केवल अर्थ ही नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ध्यान से समझिएगा कि केवल अर्थ ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि सपोज करिए आपके पास दो स्टोन है, टू स्टोन्स हैं और टू स्टोन्स रखे हुए, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये आपको क्लोज जाते हुए नहीं दिखते हैं, जैसे कि अर्थ के केस में हुआ था। अर्थ के केस में ये स्टोन क्या हुआ था, अर्थ की तरफ जाते हुए दिखा था, तो आपको लगा था कि हाँ कोई फोर्स है जो इसको खींच रहा है। यहां पर फोर्स तो होगा लेकिन जो ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ वो नहीं होगा। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा वीक है, वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस वजह से ये दो स्टोन्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। सपोज करिए आपके सामने दो चेयर्स रखी हैं, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन वो एक दूसरे की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होने की वजह से वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं कर पाती है, कर पाते हैं या कर पाती है। ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, हालांकि वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रीजन क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो जो अर्थ फोर्स लगाएगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशन फोर्स, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्लियर। चलिए अब हाँ एक चीज और समझ लीजिए नेचर के बारे में। नेचर क्या, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव का मतलब ये, देखिए नेचर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। जैसे मैग्नेट के केस में क्या होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं। नॉर्थ पोल को अगर आप रख दोगे तो रिपल कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, रिपल कर जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ पोल के साथ ले आओगे तो क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दो तरीके का है, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका केवल एक नेचर होता है, वो होता है अट्रैक्टिव। वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव, ये कभी रिपल्सिव नहीं होगा कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को रिपल करने लगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, क्लियर। चलिए अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं फिर हम आपको इसको समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दिस लॉ वॉज गिवन बाय न्यूटन, इस लॉ को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। सो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ को न्यूटन ने दिया था तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ बोलता क्या है, देखिए ये क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर। ये स्टेटमेंट हो गई।
अब स्टेटमेंट के बाद इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट केवल अर्थ ही नहीं दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो सपोज यहां हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ए का मास मैंने m1 लिया और बी का मास मैंने m2 लिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनके बीच में मतलब सेंटर से मैं ले रहा हूं, ठीक है, उसको मैंने r कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? r। तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनका जो मास होगा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे आप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट के मास ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर रखा होगा तो फोर्स कम लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर होगा तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर, एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ ली, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट आपको बताई, ये स्टेटमेंट पहले हो गई, अब हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, दो से तीन से चार नंबर में आएगा, तो आपको स्टेटमेंट भी देनी होती है और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। तो ये सो यहां से फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, और इस बार हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आएगा उसको हम जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट जी है इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट जी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट डजंट डिपेंड ऑन, अब जैसे इसका नाम ही है कांस्टेंट तो ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, डजंट डिपेंड ऑन मीडियम सेपरेटिंग टू बॉडीज, मास ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि किसी बॉडी का मास कितना है या वो कितनी दूर रखी हुई है या उनके वो किस मीडियम में रखी हुई है, एयर में रखी हुई है, वाटर में रखी हुई है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसकी ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है, ये जो वैल्यू है ये क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब हम यूनिट के बारे में देखते हैं, यूनिट ऑफ जी, जो हमारी जी है इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फॉर्मूले से देखिए, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, डिवाइड बाई एम वन एम टू, डिवाइड बाई एम वन एम टू। अब जी की यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यूनिट ऑफ जी मतलब एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ जी, तो न्यूटन। रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट आपको पता है रेडियस क्या, लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, सो मीटर स्क्वायर। और मास क्या? एम वन एम टू मास है, सो मास की एसआई यूनिट आपको पता है केजी होती है, तो केजी इंटू केजी। तो जी की यूनिट क्या आ गई आपकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, ये जी की आपकी यूनिट आ गई, क्लियर, ये आपके जी की यूनिट आ गई। और ये कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट है, कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट। और अब वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ जी, तो प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली निकाला गया है जो जी की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी है, सॉरी यूनिट ऑफ जी तो पहले ही डिस्कस कर लिया, ये वैल्यू हो गई जी की,
और ये उसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपसे लंबा क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है, मतलब अच्छे खासे स्कोर का आएगा, 3 to 4 marks का आएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट यहां तक एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का स्टेटमेंट देना है, इसको किसने दिया, न्यूटन ने, इसको और क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये लॉ बोलता क्या है। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन किया आपने। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आपने जी की वैल्यू निकाली, जी को बोलते क्या है, जी किस पर डिपेंड करता है, जी किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि मीडियम कहाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखे हुए हैं, एयर में, वाटर में, कहाँ पर है, उस सब पे डिपेंड नहीं करता है, वैक्यूम में, मास पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने यूनिट ऑफ जी निकाला। ठीक है, आप बस यहां तक लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। यूनिट ऑफ जी तो एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा यूनिट ऑफ जी का, तो बस आपका यहां तक आपका हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन 3 to 4 marks का आएगा। यूनिट ऑफ जी आप कैसे निकाला ये आपने देख लिया, और फिर वैल्यू ऑफ जी 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए, ये तो आपका टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो अट्रैक्ट होते हुए दिखते नहीं है। और अर्थ के केस में ऐसा क्यों होता है, अर्थ के केस में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही देगा। देखिए कैसे, सपोज करिए हमारे पास दो बॉल है, 1 kg 1 kg की दो बॉल है, 1 kg की एक बॉल है और एक बॉल 1 kg की एक बॉल और है, 1 kg 1 kg की दो बॉल है, कोई मेटल बॉल ले लो या कोई स्टोन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 meter की है। कितने मीटर की है, 1 meter की है, मैंने कंसीडर किया। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, वी नो दैट जी m1 m2 / r2। जी की वैल्यू आपने निकाल लिया 6.67 × 10⁻¹⁻, जी की वैल्यू आपको पता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये स्टोन चाहे आपके एयर में रखे हो, चाहे वाटर में रख दो, कहीं भी रख दो, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। मास चाहे जितना हैवी कर दो, एक ऑब्जेक्ट को 100 kg का बना दो, तब भी कोई मैटर नहीं करेगा, जी की वैल्यू यही होगी। इंटू m1 m2, 1 kg 1 kg के दो ऑब्जेक्ट रख, दोनों का मास m1 m2 1 kg × 1 kg डिवाइड बाई r2। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, और वो कितना है, 1 meter। सो 1 meter का स्क्वायर, 1 square, क्लियर। सो 6.67 × 10⁻¹⁻ into 1 into 1 डिवाइड बाई, और उसको आप डिवाइड करो, सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6.67 × 10⁻¹⁻ डिवाइड बाई 1, यू विल गेट 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 6.67 × 10⁻¹⁻। सोचिए इतना कम फोर्स है तो कैसे कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता हुआ दिख सकता है, अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा खासा फोर्स होना चाहिए ना। ठीक है, तो फोर्स तो है, ये नहीं बोल सकते कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स नहीं है, फोर्स तो है, और वो कितना है, इतना, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, फोर्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, क्लियर। अब देखते हैं क्यों अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को क्यों अट्रैक्ट कर लेती है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो सपोज करिए कि अर्थ है हमारे पास, और ये कोई बॉल है जो 10 meter हाइट पर है, 10 meter हाइट पर है। ठीक है, 10 meter क्या, आप 1 meter पकड़ लो, कोई इशू नहीं है, वो मैटर नहीं करेगा उतना ज्यादा। ठीक है, अगर 10 meter पकड़ लो तो आप 10 meter पकड़ लो। ठीक है, ये मान लिया अर्थ की सरफेस से ये बॉल 10 meter हाइट पर है, तो इस बॉल का हमने मास ले लिया 1 kg। तो दो ऑब्जेक्ट इस बार कौन कौन से हैं, पिछली बार 1 kg 1 kg के दो बॉल्स थी, इस बार दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक अर्थ है और एक आपके पास ये बॉल है 1 kg की, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कहां से होती है, सेंटर से होती है, तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक की बीच की दूरी। तो सबसे पहले तो हमको मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻¹⁴, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो हमारे फोर्स लगा रहे हैं उनका मास आपको पता होना जरूरी है, तभी आप फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है जिसका वेट कितना है, 1 kg। एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरी ऑब्जेक्ट बॉल है जिसका
मार्स है 1 kg और अर्थ का 6 × 10^24। इनके बीच में जो डिस्टेंस है आर वो कितनी है, वो कितनी होगी, आप यहां से देखिए ये तो 10 मीटर है और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपको पता है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो 6400 किलोमीटर। अब ये यूनिट किसमें होनी चाहिए, ये तो केजी में है लेकिन रेडियस किसमें होना चाहिए, मीटर में। बाय यूनिट तो यही कहती है, इसको आप कन्वर्ट कर लो यूनिट मीटर में, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो फोर्स के फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड स्टोन। तो जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11, मैंने पहले बोला था कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है, उसकी वैल्यू 6 × 10^24 है और सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका बॉल है 1 kg की, डिवाइड बाई आर कितना है 6410345 का स्क्वायर। आप इस सब वैल्यू को सॉल्व करोगे, सारी की सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको 9.8 न्यूटन के अप्रॉक्स फोर्स मिलेगा, 9.8 न्यूटन के अप्रॉक्स फोर्स की वैल्यू मिलेगी और ये बहुत ही अच्छा फोर्स है और कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और यहां पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, 10^-11। 10^-11 का मतलब आप समझते हैं ना, 0000 ऐसे करते हुए आप चले जाओ 11 तक, फिर लिखो, सोचो इतना कम फोर्स है, यहाँ कहीं आगे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, ये इतना कम फोर्स है, ये कैसे किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। और यहाँ पे फोर्स देखिए 9.8 न्यूटन बहुत अच्छा खासा फोर्स होता है, इसी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का ना भी हुआ, सपोज करिए 100 ग्राम का हुआ तो 0.1 हो जाएगा, तब भी तो हमारे पास 1 न्यूटन के अबाउट फोर्स आ जाएगा, तो 1 न्यूटन भी फोर्स अच्छा खासा फोर्स होता है, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि क्यों अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को खींचती है, अगर फोर्स लगता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो क्यों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। कुछ और प्लेनेटरी बॉडीज हैं जैसे सन है, अर्थ है, जो आपका सोलर सिस्टम है, ये भी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ही रुका हुआ है। ठीक है, सन और अर्थ दोनों का मास बहुत अच्छा है, आपको पता है सन का मैग्नीट्यूड है 10^3 मास का और अर्थ का 10^24। तो सोचिए इतना अच्छा मास हो जाएगा दो बॉडी के बीच में तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा और जितना अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो तो आपको समझ में आ रहा है फिर क्या होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही इतने ही टॉपिक्स को देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ओके, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू।